हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक जो हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी BP603T का है, यूनिट वन में हमने आपको बताया था, पिछले सेशन में आपने पढ़ा था। तो अभी आज का जो टॉपिक हमारा था बायो इंसेक्टिसाइड्स या बायो पेस्टिसाइड्स, इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए कि जैसा वर्ड इंडिकेट कर रहा है, बायो इंसेक्टिसाइड, साइड मतलब किलर, इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट को किल करने वाला, बायो यानी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म से हम इसको डिराइव कर रहे हैं। बायो पेस्टिसाइड यानी पेस्ट को किल करने वाला, और ये भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म से हम इसको डिराइव कर रहे हैं। तो ये आपके बायो इंसेक्टिसाइड या बायो पेस्टिसाइड, अगर हम टर्म की बात करें तो आपको इस टर्मिनोलॉजी में ही क्लियर हो रहा है कि ये बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है ना, जो नेचुरल मटेरियल्स होते हैं वहाँ से हमको ये मिल रहे हैं। और ये किसके अगेंस्ट में काम करेंगे, ये आपके पेस्ट जो होते हैं यानी कि आपके जो इंसेक्ट हो गए, वीड्स हो गए, उनके अगेंस्ट में ये काम करता है और हमारे मेडिसिनल प्लांट को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है ना। तो आइए हम इसके बारे में देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे लिखा, बायो पेस्टिसाइड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल मटेरियल्स, बायो पेस्टिसाइड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल मटेरियल्स एज एनिमल्स, प्लांट्स, बैक्टीरिया एंड सर्टेन मिनरल्स। तो ये आपको जो बायो पेस्टिसाइड्स हैं वो एनिमल से भी मिलते हैं, प्लांट से भी मिलते हैं, बैक्टीरिया से भी मिलते हैं और सर्टेन मिनरल से भी मिलते हैं। एग्जांपल में जैसे कैनोला ऑयल है, बेकिंग सोडा है, ये भी हम एज ए बायो पेस्टिसाइड, बायो इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं। इसके बाद आती है बात की टाइप्स ऑफ बायो पेस्टिसाइड्स, कि बायो पेस्टिसाइड्स कितने तरह के होते हैं। तो ये आपको क्लैरिटी रखनी है। देखिए इस टॉपिक में एक तो आपको डेफिनेशन, दूसरा इसके टाइप्स के बारे में, और फिर इसके फार्मूलेशंस के बारे में, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के बारे में, यही मेन आपको पढ़ना है। डेफिनेशन पार्ट हो गया, फिर टाइप्स ऑफ बायोपेस्टिसाइड में देखिए आपका माइक्रोबियल बायोपेस्टिसाइड, फिर आपका बायोकेमिकल और हर्बल पेस्टिसाइड, फिर आपका तीसरा है प्लांट इनकॉर्पोरेटेड प्रोटेक्टेंट्स PIP, और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इसी को बोलते हैं GMCs, और एक है आपका सेमियो केमिकल्स। और फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये आपका है M फॉर माइक्रोबियल बायो पेस्टिसाइड, फिर B फॉर बायोकेमिकल और हर्बल पेस्टिसाइड, फिर आपके प्लांट इनकॉर्पोरेटेड प्रोटेक्टेंट्स, इनको कि PIP बोलते हैं, और या इन्हीं का दूसरा नाम है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स GMCs बोलते हैं, और फिर आपका सेमियो केमिकल्स। तो ये आपके 4 टाइप्स हैं, याद रखिएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, माइक्रोबियल बायोकेमिकल और हर्बल, प्लांट इनकॉर्पोरेटेड प्रोटेक्टेंट्स और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, सेमियो केमिकल्स। अब आते हैं एक एक को डिस्कस करेंगे। इसमें देखिए माइक्रोबियल पेस्टिसाइड पे हम बात करते हैं। जैसा कि वर्ड आप देख रहे हैं माइक्रोबियल पेस्टिसाइड, यानी पेस्ट को किल करने वाले जो एजेंट है वो हमको कहाँ से मिल रहे हैं, माइक्रोबियल यानी माइक्रोब्स से मिल रहे हैं। माइक्रोब्स का मतलब जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंजाई हो गया, प्रोटोजोन्स हो गए, वहाँ से मिलेगा। तो यहाँ देखिए लिखा है माइक्रोबियल पेस्टिसाइड्स कंसिस्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, देख रहे हैं। माइक्रोबियल पेस्टिसाइड का मतलब होता है कि इस पेस्टिसाइड में कौन होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, हम इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम से डिराइव कर रहे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम बोले तो कौन कौन से लोग आ जाएंगे, तो आपका बैक्टीरियम हो गया, वायरस हो गया, फंजी हो गया, प्रोटोजोन हो गए, ये आपके हो गए, और यही मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद से देखिए ये जो माइक्रोबियल पेस्टिसाइड्स होते हैं इनका यूज किस लिए होता है, तो सिंपल सी बात है, पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, ताकि हमारा मेडिसिनल प्लांट प्रोटेक्ट रहे। उसी को लैंग्वेज में लिखा है, माइक्रोबियल पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट पैथोजन, पैथोजन का मतलब रोग फैलाने वाले, तो प्लांट पैथोजन मतलब जो पौधों में रोग फैलाने वाले जो हैं, तो वो जीव हैं, उनको ये कंट्रोल करेगा, इंसेक्ट्स कीटों को, वीड्स खरपतवार को कंट्रोल करेगा माइक्रोबियल पेस्टिसाइड। और इसमें एक एग्जांपल है जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है, एक बैक्टीरियम है जिसका नाम है बैसिलस थुरिंजिएंसिस, देख लीजिएगा नाम थोड़ा टफ है, बैसिलस थुरिंजिएंसिस, क्या नाम, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बैसिलस थुरिंजिएंसिस, शॉर्टकट में BT बोलते हैं, याद रख लीजिएगा, BT याद रख लीजिएगा, तो बैसिलस थुरिंजिएंसिस BT शॉर्टकट है। ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन बायोपेस्टिसाइड डेवलपमेंट, बायोपेस्टिसाइड डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला यह है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है बैसिलस थुरिंजिएंसिस।
तो अगर हम इसकी बात करें, मेन मेन पॉइंट क्या हो गया, डेफिनेशन हो गया, टाइप्स हो गए, और माइक्रोबियल पेस्टिसाइड का डिस्क्रिप्शन हो गया। अभी हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं बायोकेमिकल और हर्बल। माइक्रोबियल आप पेस्टिसाइड के बारे में आप लोगों ने देख लिया, फिर अपन बात करते हैं देखिए बायोकेमिकल और हर्बल पेस्टिसाइड में। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, देखिए मेन जो एग्जामिनर हैं वो आपके नाम जो चार हैं ना वो थोड़ा सा एक एक लाइन देखिए। बायोकेमिकल और हर्बल पेस्टिसाइड में सिंपल सी बात समझ लीजिए कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो एक तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं जो हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, और एक होता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो प्लांट का प्रोटेक्शन देता है, प्लांट को प्रोटेक्ट करता है जो अदर हार्मफुल मटेरियल्स हैं या इंसेक्ट्स हैं वीड्स हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो एक तो लिखा है ना प्लांट्स प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर आल्सो कंसिडर्ड एज बायोपेस्टिसाइड, यानी जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट ये प्रोड्यूस कर रहा है ये भी कैसे कंसिडर करेंगे बायोपेस्टिसाइड के रूप में, यानी जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं प्लांट से वह भी क्या हैं बायोपेस्टिसाइड्स हैं, क्योंकि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो डिफेंस सिस्टम है प्लांट के, ये प्लांट को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए हर्बल पेस्टिसाइड्स आर ऑब्टेंड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, और वही सेम चीज़ क्या काम करते हैं कंट्रोल्ड पेस्ट थ्रू नॉन टॉक्सिक मैकेनिज्म के थ्रू ये काम करते हैं। अगले जो टाइप है वो प्लांट इनकॉर्पोरेटेड प्रोटेक्टेंट्स, गौर करिएगा देखिए प्लांट इनकॉर्पोरेटेड प्रोटेक्टेंट्स, और इन्हीं को हम बोलते हैं GMC जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स भी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए प्लांट है और इसमें हमने जेनेटिक मटेरियल इनकॉर्पोरेट कर दिया, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग आ जाता है यहाँ पे। प्लांट है इसमें हमने जेनेटिक मटेरियल इनकॉर्पोरेट कर दिया, वो जो बन गया वो क्या है, ये आपका प्लांट इनकॉर्पोरेटेड प्रोटेक्टेंट्स बन गए। और जैसे एग्जांपल है बीटी प्रोटीन, बीटी वर्ड आपको याद आ गया होगा बीटी, ठीक है, मैंने आपको बताया था बीटी प्रोटीन टू डेवलप PIP इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जो बीटी टॉक्सिन होता है होस्ट स्पेसिफिक होता है, तो ये आपका प्लांट इनकॉर्पोरेटेड प्रोटेक्टेंट्स या इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं। यहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक का प्रयोग करके जैसे हम क्या करते हैं प्लांट में जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके हम उसमें प्रोटीन इंसर्ट कर देते हैं, और ये क्या करता है प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और ये होस्ट स्पेसिफिक होता है। इसके बाद देखिए सेमियोकेमिकल्स, फोर्थ टाइप आपका है सेमियोकेमिकल्स। सेमियोकेमिकल्स क्या होते हैं, जैसे हमारे जो इंसेक्ट होते हैं मान लीजिए मेल इंसेक्ट है फीमेल इंसेक्ट है, तो मेल इंसेक्ट कुछ अपने ओडर छोड़ता है गंध छोड़ता है, इससे फीमेल इंसेक्ट अट्रैक्ट होगी या ऐसे वाइस वर्सा होता है। तो ऐसे हम उन केमिकल्स का सहारा लेते हैं तो इससे क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे इंसेक्ट फेरोमोन्स देखिए है ना, इंसेक्ट फेरोमोन्स आर द मोस्ट यूज्ड सेमियोकेमिकल्स फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन। तो ऐसे में हम क्या करते हैं इंसेक्ट फेरोमोन्स का यूज़ करते हैं। तो ये आपके फोर टाइप्स हो गए, माइक्रोबियल बायोपेस्टिसाइड्स, बायोकेमिकल और हर्बल पेस्टिसाइड्स, प्लांट इनकॉर्पोरेटेड प्रोटेक्टेंट्स या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, और फिर आपके हो गए सेमियोकेमिकल्स जिसमें आपके एग्जांपल में इंसेक्ट फेरोमोन्स, और फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये बायोपेस्टिसाइड कैसे काम करते हैं, इनके काम करने का तरीका क्या होता है, पेस्टिसाइड्स के काम करने का तरीका क्या होता है। तो आप देख सकते हैं बायोपेस्टिसाइड्स एक्ट बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म, इनमें से किसी मैकेनिज्म से काम कर सकता है, जैसे आपका एंटीबायोसिस के थ्रू काम कर सकता है, कंपटीशन, हाइपर पैरासिटिज्म और सिनर्जिज्म, ये तरीके होते हैं, इन तरीकों से ये काम करता है। आगे हम और इसके बारे में देखते हैं, देखेंगे फॉर्मुलेशंस ऑफ बायोपेस्टिसाइड। इसमें देखिए आपको बस केवल चार्ट एक बना देना है, ठीक है। बायोपेस्टिसाइड में आप देख सकते हैं होता है ड्राई फॉर्मुलेशन, जैसा कि ड्राई है ये होता है डायरेक्ट एप्लीकेशन के लिए, ठीक है, डायरेक्ट एप्लीकेशन ये आपका हो गया फॉर डायरेक्ट एप्लीकेशन। बायोपेस्ट ड्राई फॉर्मुलेशंस फॉर डायरेक्ट एप्लीकेशन, ये ध्यान रखिएगा डी फॉर ड्राई डी फॉर डायरेक्ट एप्लीकेशन। और एक आपका लिक्विड फार्मुलेशन होता है, केवल नाम आपको लिख दीजिएगा। इसमें ड्राई फार्मुलेशन से देखिए डी से डस्टेबल पाउडर DP, ग्रेन्यूल्स GR, सी ड्रेसिंग SD, वेटेबल पाउडर्स WP, वाटर डिस्पर्सिबल ग्रेन्यूल्स WDG। तो आपको ये नाम लिख देने, अगर याद नहीं पड़ता है तो कम से कम आप डस्टिंग पाउडर या डस्टेबल पाउडर ग्रेन्यूल्स सी ड्रेसिंग कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए ये वर्ड आपको पहले से पता है, इमल्सन, सस्पेंशन, सस्पोइमल्सन, ऑयल डिस्पर्सन, कैप्सूल सस्पेंशन, अल्ट्रा लो वॉल्यूम लिक्विड ULV लिक्विड। तो ये आपको बस एक चार्ट बना दीजिएगा, ये आपके फार्मुलेशंस में हो जाएंगे। और ये आपका एप्लीकेशन है कि बायोपेस्टिसाइड मान लीजिए आपके पास आ गया,
चाहे वो पाउडर फॉर्म में है चाहे वो लिक्विड फॉर्म में है, आप अप्लाई कैसे करोगे? मतलब प्लांट है आपके पास, प्लांट पे अप्लाई करना है, तो हाउ यू विल अप्लाई, क्या एप्लीकेशन मेथड होगा? तो एप्लीकेशन मेथड में एक है सीड ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट का मतलब होता है जो सीड होता है उस पर हम उसको पाउडर मिला करके और उसको हम फिर अपना आगे के प्रोसेस करेंगे। और एक होता है फोलियर एप्लीकेशन। फोलियर मतलब जो लीव्स दिख रहे हैं ना ये, तो लीव्स पे जब हम स्प्रे करते हैं तो इसको बोलते हैं फोलियर एप्लीकेशन। और एक होता है सीडलिंग डिपिंग। सीडलिंग डिपिंग का मतलब मान लीजिए प्लांट है छोटा सा प्लांट, तो हमने क्या किया उसका जो इसका हमने सोल्यूशन बना दिया, ठीक है, जो आपका पेस्टिसाइड है, और उस सोल्यूशन में उसके रूट को हमने डिप किया कुछ मिनट के लिए या कुछ घंटे के लिए, और फिर उसके बाद हम सोविंग करते हैं। ये आपके एप्लीकेशन मोड हो सकते हैं, सीड ट्रीटमेंट, फोलियर एप्लीकेशन, सीडलिंग डिपिंग। और इसके बाद हम आपको बताते हैं कि बायोपेस्टिसाइड के एडवांटेज। तो हम लोग यहाँ पे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आप बायोपेस्टिसाइड देखेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एडवांटेज में क्या है। जो बायोपेस्टिसाइड हैं ये लेस हार्मफुल हैं, लेस टॉक्सिक हैं। तो पहला फ़ायदा इनका ये है कि लेस टॉक्सिक हैं, लेस हार्मफुल हैं और पॉल्यूशन कम फैलाते हैं, कॉजेज लेस पॉल्यूशन। फिर इनकी कॉस्ट जो है वो कम है, लो कॉस्ट है। और नेचर ऑफ कंट्रोल इनका प्रिवेंटिव है, क्यूरेटिव नहीं है, प्रिवेंटिव है। तो इनके हम एडवांटेजेस की बात करें तो एक तो लेस हार्मफुल हो गए, लेस टॉक्सिक हो गए, कॉजेज लेस पॉल्यूशन, फिर आपका लो कॉस्ट, इनकी कीमत कम है और नेचर ऑफ कंट्रोल इज़ प्रिवेंटिव। लेकिन इनके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है कि आपको जो टारगेट पेस्ट है यानी जिसके लिए आप बनाना चाह रहे हैं बायोपेस्टिसाइड, वो टारगेट पेस्ट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसी पेस्ट के अकॉर्डिंग आपको बायोपेस्टिसाइड यूज़ करना है। तो ये थोड़ा टीडियस वर्क है। टू आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट टारगेट पेस्ट इज नेसेसरी, आवश्यक है, ध्यान रखना है। दूसरा है स्लो स्पीड अफेक्शन, इनका क्या है स्पीड स्लो है काम करने का। और थर्ड है आपका इट शुड नॉट बी यूज अलोन फॉर ट्रीटमेंट। बायोपेस्टिसाइड का अकेले हम यूज नहीं करेंगे, साइमल्टेनियसली साथ में कोई इफेक्टिव मेथड भी यूज करना पड़ेगा। ये हो गए इनके डिसएडवांटेजेस। तो अभी हम लोगों का जो टॉपिक पिछले सेशन में और जो आज का सेशन था उसे पेस्ट एंड पेस्ट मैनेजमेंट हम लोगों ने पढ़ा है। तो देखिए सेक्शन बी का क्वेश्चन भी हो सकता है, सेक्शन सी में हो सकता है और सेक्शन ए से भी कुछ छोटे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आप लोगों को एक बार मैं ब्रीफ समराइज कर दे रहा हूँ क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है, टॉपिक्स क्या क्या हैं। तो आप देखिए सबसे पहले हम लोगों ने पेस्ट एंड पेस्ट मैनेजमेंट जो टॉपिक था हमारा, ये पेस्ट का डेफिनेशन देखा, फिर टाइप्स ऑफ पेस्ट हमने देखा था, फिर आपके पेस्ट मैनेजमेंट। पेस्ट मैनेजमेंट में कई आपके तरीके थे, मेथड्स थे, पहला मैकेनिकल मेथड, एग्रीकल्चरल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड, केमिकल मेथड, इन्वायरमेंटल मेथड, नेचुरल पेस्ट कंट्रोल एजेंट्स और बायोपेस्टिसाइड। ये आपके इतने मेथड्स हो गए, यानी 7 मेथड्स हो गए पेस्ट मैनेजमेंट के। और उसमें हम लोगों ने बारी बारी से एक एक मेथड को देखा था और यहाँ आज हम की क्लास में बायोपेस्टिसाइड देखा है। तो बायोपेस्टिसाइड में इसका डेफिनेशन देख लिया, इसके टाइप्स जो आपको माइक्रो बीएल, बायोकेमिकल और हर्बल, पीआईपी, सेमियोकेमिकल्स, पीआईपी बोले तो प्लांट इनकॉर्पोरेटेड प्रोटेक्टेंट्स, यानी को जीएमसी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स भी बोलते हैं। तो आपको ये क्लैरिटी इसलिए रखना है नहीं तो एग्जाम में आप गड़बड़ कर जाएंगे कि डेफिनेशन लिखनी है, टाइप्स ध्यान में रखना है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में आपके एंटीबायोसिस, कंपटीशन और हाइपर पैरासिटिज्म और सिनर्जिज्म, और फार्मूलेशंस में आपके ड्राई फार्मूलेशन, लिक्विड फार्मूलेशन है, एप्लीकेशन में सीड ट्रीटमेंट है, फोलियर एप्लीकेशन है, सीडलिंग डिपिंग है, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हमने आपको यहाँ शेयर किया। तो ये पूरा टॉपिक हो गया आपका पेस्ट एंड पेस्ट मैनेजमेंट का। और आपको बता दूँ कि ये टॉपिक जो हमने लिया है ये आपके यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक हो गया, यानी हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी की हम लोगों ने एक यूनिट यानी यूनिट 1 सक्सेसफुली विद प्रॉपर नोट्स हमने कम्प्लीट कर लिया है। तो आप लोगों को करना क्या है कि अपने नोट्स को रिवाइज़ करिए और इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस यूनिट के उनको आप देखिए। नेक्स्ट सेशन में हम लोग यूनिट 2 की शुरुआत करेंगे, न्यूट्रास्यूटिकल्स जो है, तो उसके लिए आप लोग रेडी रहिएगा और नोट्स आपको हम इसमें भी शेयर करेंगे, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर बीइंग कनेक्टेड। थैंक्स।